हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा की रसोई। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। अक्सर शादियों में हमें यह रेसिपी चावल के साथ सर्व की जाती है, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा फूलगोभी का हिस्सा। और फूलगोभी को इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बीन्स, और बीन्स को भी इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बीन्स को थोड़ा सा हम बड़ा ही रखेंगे, ज्यादा भी छोटा हमें नहीं करना है। उसके बाद भिंडी को भी इस तरीके से दो हिस्सों में कट कर लेंगे। भिंडी को पहले से धो लीजिएगा, मैंने पहले से सारे सब्जियों को धो लिया था। उसके बाद हम गाजर को छील लेंगे और गाजर को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। बैंगन को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी तो मार्केट में एकदम ताजी सब्जियां मिल रही होंगी, ये सारी सब्जियां एकदम अभी ताजी मिल जाएंगी आप सभी को मार्केट में। आप लोग एक बार इस रेसिपी को जरूर बना के देखें। बैंगन को भी इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब हम आलू लेंगे और आलू को अच्छे से छील लेंगे और इस तरीके से आलू को लंबा लंबा काट लेंगे और आलू को काट के अच्छे से धो लेंगे। तो ये जो सब्जी है हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे कैप्सिकम को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम के आधे हिस्से का यूज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीटरूट लिया है। बीटरूट को भी इस तरीके से दो हिस्सों में काट लेंगे और एक हिस्सा लेंगे और एक हिस्सा मैंने सलाद में यूज किया था। अब बीटरूट को इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है केला, ये हमारा कच्चा केला है, और केले का जो छिलका है उसे हम छील लेंगे और इस तरीके से दो हिस्सों में कट कर लेंगे। तो केला को भी इस तरीके से काट लेंगे और केला को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सहजन को भी कट कर लेंगे, जिसे हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मटर को भी छील लेंगे। उसके बाद हम करेला लेंगे। करेला मेरा खराब निकल गया था, तो करेले को मैंने अच्छी तरीके से साफ करके धो के अच्छे से काट लिया है। तो सारी सब्जियां हमारे अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सारी सब्जियों को तल लेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे आधा कप के करीब तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और सारी सब्जियों को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कैप्सिकम को भी अच्छे से तल लेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। आप चाहे तो गरम तेल को भी किसी बर्तन में डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल को बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे लगभग एक छोटा चम्मच तेल रख के हम क्या करेंगे, इसमें करेला को तल लेंगे। करेला को भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तेल को हम रख देंगे या फिर आप फेंक देंगे, क्योंकि तेल हमारा कड़वा हो जाता है, तो हम इस तेल को सब्जी में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रेवी के लिए यहाँ पे लिया है दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज की कटी हुई टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच पीली सरसों और 1/4 चम्मच काली सरसों, और 1 छोटा चम्मच पोस्तू, जिसे हम पप्पी सीड्स कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पे तली हुई तेल का ही यूज किया है, मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब 5 फोड़न, और 5 फोड़न को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कटी हुई प्याज, और प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, हमें इसे मीडियम आंच पे फ्राई करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कटी हुई टमाटर, और टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पेस्ट की हुई अदरक और लहसुन, और इसे भी अच्छे से मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्तू और सरसों का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। सरसों को मैंने पहले से भीगने के लिए दे दिया था, ताकि इसका जो पेस्ट है वो हमारा आसानी से रेडी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सूखी मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पे यूज किया है 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 तेज पत्ता और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसालों को हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेनी है। तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे पेस्ट की हुई पोस्तू और सरसों। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मसालों में डालेंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी में पोस्तू और सरसों मस्ट है, और इसके ग्रेवी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 पिंच चीनी और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो
मसाला भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे फ्राई की हुई सारी सब्जियाँ और सब्जियों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गलती से करेले को भी सारी सब्जियों के साथ डाल दिया था। आप प्लीज सब्जियों के साथ करेले को मत डालिएगा, आप करेले को एकदम गैस बंद हो जाने के बाद लास्ट में डालिएगा। तो इसीलिए मैंने करेले को बीच में से मसालों में से निकाल लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी सब्जी को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। मैंने यहाँ पे एक कप के करीब पानी डाला है क्योंकि सारी सब्जी हमारे पहले से तली हुई है तो लगभग पक भी गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम यहाँ पे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च। मिर्च को मैंने यहाँ पे चीरा लगा के डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे फ्राई की हुई करेला और करेला को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा मिक्स वेजिटेबल रेसिपी है जिसे हम सुक्ता भी कहते हैं, वो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया था तो ये काफी ज्यादा टेस्टी लगी थी। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को जरूर बना के देखें। मेरी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।